न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रभु जी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़। और अभी जो है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के सांझे प्रत्याशी गोविंद कंडा के पक्ष में एक जनसभा का आयोजन किया गया था, तो उसके विपरीत दूसरी तरफ किसान लगातार जो है वो विरोध कर रहे थे। तो ऐसे में विरोध करने का मुख्य उद्देश्य है, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो बातें कही, जो विकास के नारे का जो उद्घोष किया गया, उसको कैसा मानते हैं किसान नेता जानते हैं। प्रहलाद जी, एक तरफ जनसभा चल रही थी, दूसरी तरफ उसके अपोजिट साइड आपका जो विरोध प्रदर्शन लगातार जारी था, बीजेपी जेजेपी मुर्दाबाद के नारे लगातार चल रहे थे, उसी से हताहत होकर के शायद, या सुनीता दुग्गल ने ऐसा कुछ कहा था कि इस अब वो जो है वो गांव में आएंगी और उनको किसान जो है वो रोक करके दिखाएं। गांव के अंदर ही इतने टाइम हो गया इसको एमपी बने हुए, इसके तो जगह जगह लोगों ने पोस्टर भी लगाए थे कि हमारी सिरसा की जो सांसद है वो गायब हो गई है कहाँ। आज चुनाव आ गया तो इसको गांव नज़र आने लगे हैं। भारतीय जनता जो पार्टी है, ये देश के अंदर 3 काले कानून लेके आए, उसको लेके एक साल से किसान सड़कों के ऊपर है। 700 से ज़्यादा किसानों की हमारी शहादत हो गई है। लखीमपुर के अंदर इन्होंने हमारे ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी है, जिसमें हमारे 4 किसान साथी और एक पत्रकार है वहाँ पे साथी शहीद हो गए हैं। तो ये तो एक हथियारी सरकार है, और पूरे देश के अंदर इनका बहिष्कार हो चुका है। हरियाणा के अंदर तो लोगों ने पंचायतें करके इनका हुक्का पानी बंद कर दिया। आप अभी उपचुनाव इलाहाबाद के अंदर देख रहे हो, ये जहाँ भी जाते हैं हर जगह इनका विरोध हो रहा है, और कोई भी गाँव के अंदर इनका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है। इनके कुछ जो बीजेपी के साथ जेजेपी है, इनके कुछ जो ऐसे छुट भैया लोग हैं जो लालच में आके इक्का दुक्का लोग आपको मिलेंगे। ये कागदाना गांव के अंदर जो आज इन्होंने प्रोग्राम किया है, एक भी आदमी कागदाना गांव का इसके अंदर शामिल नहीं था। जितने यहाँ पे लोग बैठे थे हल्के के लोग नहीं थे, सारे ये बाहर से लोगों को लेके आए हैं। ये और कहीं से जो आए हैं, किराए के अंदर आए हैं, कैसे आए हैं, लालच में आए, उस तरीके से ये लेके आए। इनका पंडाल खाली पड़ा था। ये जो लोग हैं और जो आयोजन किया है, इस आयोजन को चुनाव आयोग ने खास तौर के ऊपर हिदायत दी है कि इस चुनाव के दौरान कोई भी पार्टी है वो रैली का आयोजन नहीं कर सकती है। मतलब कि आपका विरोध करने का यही कारण था कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन की जो उल्लंघना की जा रही है? ये तो एक है ही, हमारा तो जो मुख्य कारण है वो 3 काले कानून ये बीजेपी लेके आई, उसको लेके विरोध है। और इसको लेके हमने बंगाल के अंदर भी विरोध किया, जहाँ इसको बीजेपी की सीटें वहाँ पर नहीं आई। इसी को लेके पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ चुनाव होंगे बीजेपी का बाइकाट किया जाएगा, लोगों से अपील कर रहे हैं जाके कि बीजेपी को वोट मत डालो। तो ये तो सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही है ना, तो इसलिए बात कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग जो है वो अब सत्ता है, और सत्ता वाले जो लोग हैं वो चुनाव आयोग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, रैली का आयोजन कर नहीं सकते हैं, ये गैरकानूनी तरीके से इन्होंने किया है। एक सवाल और करूंगा, यहाँ पे आप किसान कहते हैं कि हम किसान हैं, किसानों के हितों की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वहीं आपके अपोजिट साइड हजारों की संख्या में या सैकड़ों की संख्या में जितने भी आप मानते हैं उतने लोग बैठे हुए थे, क्या वो किसान नहीं है? अगर वो किसान है तो आपसे कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि चूक रह गई कि वो किसान वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? देखिए, जब देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष चल रहा था, उस टाइम भी अंग्रेजों के साथ इस देश के बहुत से लोग थे। इस वजह से वो 200 साल जो है वो राज कर गए अंग्रेज, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, संघर्ष किया और देश को आज़ाद करवाया। तो आज भी ये दो पार्टी है, बीजेपी जो है इस देश को गुलाम बनाने जा रही है। तो देश के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो रहते हैं साथ में, तो वो है लोग कुछ ऐसे। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम गांव-गांव जा करके देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि किसान मोर्चा का एक आह्वान था, उस समय लग रहा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी को इतना समर्थन ना मिलेगा, लेकिन आज गांव में जा करके जब हकीकत देखते हैं तो वो उससे उलट नज़र आती है। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि गांव के अंदर जब इनके वोट निकलेंगे तो पता चल जाएगा, इनको आईना दिख जाएगा। आज भी बहुत से गांव के अंदर लोग ये सोचते हैं कि गांव के अंदर हम रह रहे हैं तो हमारा भाईचारा खराब ना हो। तो कुछ गांव के जो बड़े लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, वो लालचों में आके इनके साथ है, कोई जेजेपी के साथ है, कोई कांडे के साथ खड़ा है, वो उनको लालच है। तो उसके दबाव में कुछ लोग ऐसे होते शांत हो जाते हैं कि यार चलो हमारा भाईचारा खराब ना हो। ऐसा नहीं है कि वो उसके वोट देने के लिए तैयार हो गया, हाँ वोट नहीं मिलेंगे इनको। ठीक है, तो अभी आप विरोध जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी हैं उसका विरोध कर रहे हैं, तो सपोर्ट किसको कर रहे हैं? सपोर्ट नहीं कर रहे किसी को, सिर्फ लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि जेजेपी बीजेपी हलोपा
और इससे समर्थित कोई भी पार्टी का उम्मीदवार है जो काले कानूनों का सपोर्ट करता है उनको आप वोट मत डालिए, बाकी किसी को वोट डाल दीजिए। ठीक है, अभी अभय चौटाला की अगर बात करें तो इन्होंने मंच से जो है वो कहा था कि आप अभय चौटाला के भेजे हुए हैं या इनेलो पार्टी से समर्थित हैं चार पांच लोग जो ये विरोध कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहें? सारे देश में हो रहा है। आप ये देखिए, यहाँ पे हम खड़े हैं 20 सालों से तो मैं किसानी संघर्ष के लिए लड़ रहा हूँ और आप भी जानते हैं, सारे पत्रकार जानते हैं कि कौन सी पार्टी से हम रिलेटेड है। हम सिर्फ और सिर्फ किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो कहेंगे और इनसे हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि हम कौन है क्या है। वो तो देश का किसान अन्नदाता है, वो सर्टिफिकेट देगा कि किसान कौन है। आप गोपाल कांडे सिरिन से पूछिए कभी, शायद इनका तो कोई बाप दादा भी किसान नहीं रहा होगा जिनको तो ये नहीं पता कि हल कहाँ से पकड़ा जाता है और कैसे हल जोता जाता है। वो किसान होंगे, वो भी खुद कह रहे हैं कि हम किसान हैं, वो कहाँ से किसान होगी, ये तो सब जानते हैं। आने वाले समय में आपकी क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि चुनाव में अभी कुछ ही वक्त बाकी है, कुछ ही दिन बाकी हैं, तो क्या रणनीति रहेगी? क्या गांव-गांव जाकर के भी इस तरह से विरोध किया जाएगा या फिर जहां पे इनके जो सभाएं होंगी वहां पे विरोध किया जाएगा? हम तो जो रैली करेंगे उनका विरोध करेंगे, क्योंकि रैली करना गैरकानूनी है और इनकी रैलियों का विरोध होगा। दूसरा, गांव में अभी ड्यूटियां लगी है, सब साथी जा रहे हैं गांव में और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट मत डालिए, बाकी चाहे कुएं में डाल दीजिए वोट, लेकिन बीजेपी को वोट मत डालिए। ये लोगों से हम अपील करेंगे, क्योंकि हमने आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलाना है। हम इस आंदोलन में नहीं चाहते किसी प्रकार की हिंसा हो, ये चाहते हैं कि हिंसा हो जाए, तभी तो इन्होंने अभी मंच से ये भी बात कही है SEBC को भी कि आप इस तरीके से उनको सबक सिखाना चाहिए या इनको जवाब देना चाहिए। तो ये तो लोगों को डिवाइड करने की बात है। और मंच के ऊपर कौन बैठे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि गंगवा ने जो बात कही तो सबसे पहले तो मंच पे दूसरे जो बैठे हैं उनको धक्के मार के नीचे उतारना चाहिए, या जो दूसरे लोग बैठे हैं उन्होंने ऐसे बोलने वाले नेता को धक्के मार के नीचे उतारना चाहिए। तो जहर घोलने की बात करें, मंच के ऊपर तो सारे बैठे हैं, यहाँ पे जर्नल के हैं, ब्राह्मण के हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, SC के हैं, BC के हैं, और लोगों को ये इस तरीके से करें तो ये लोग अच्छी तरीके से इनको जानते हैं कि ये सिर्फ हमें डिवाइड करना चाहते हैं। असल में इस चुनाव से देश के अंदर एक संदेश जाएगा कि बीजेपी ने जो ये काम किया है, इसका जो विरोध हो रहा है इस चुनाव के अंदर, वो 30 तारीख को जब चुनाव होगा और 2 तारीख को रिजल्ट आएंगे तो देश में संदेश चला जाएगा कि बीजेपी के खिलाफ है लोग। एक आखिरी सवाल करूंगा, आदित्य देवीलाल ने पहले ही पहला भाषण शायद आदित्य देवीलाल का ही था और उसी भाषण में ये कह दिया था कि ये जो 4-5 लोग विरोध कर रहे हैं, आप घर जाइए, जितना मर्जी जोर लगा लो, कानून पुट्ठा को नहीं हुआ, घरे जाके राबड़ी पी के सो जाओ। अब इसको ये नहीं पता है कि देश का किसान है ये, और देश का किसान राबड़ी भी बनाता है, कड़ी भी बनाता है, चावल भी बनाता है, रोटी भी बनाता है। जिस राबड़ी की बात कर रहा है उसको लोगों ने बाजरी बना के पैदा किया और ये नसीहत दे रहा है किसानों को कि जाके सो जाए। हम इसको नसीहत दे रहे हैं कि भाई तेरे को अगर राबड़ी चाहिए तो तू घर जाके बैठ जा, वरना तू इस राबड़ी से भी हाथ धो बैठेगा। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तमाम मुद्दों पर जो भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में जो जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का साझा कार्यक्रम था, उसमें आए हुए तमाम नेताओं ने जो वायदे किए, जो ऐलान किए, उन पे जो किसानों पे एलिगेशन लगाए, उन पे किसान नेताओं का क्या कुछ कहना है, प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा हमारे साथ मौजूद थे। आदित्य देवीलाल को खास करके ये कहा है कि राबड़ी की नसीहत देने वाले से वो आग्रह करेंगे कि अगर आपको चाहिए तो हमारे से आकर के ले जाए और खुद पी करके सो जाए, ताकि आपकी आने वाले समय में जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं बची रह सके। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा सहयोगी अशोक कुंडू के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।